हाँ मूसा अलैहिस्सलाम की शहादत हुई थी 10th ऑफ मुहर्रम को, ठीक है, 10th ऑफ मुहर्रम को, पता है ना मुहर्रम होता है, 10 तारीख को मुहर्रम होता है ना, बताऊंगा तेरे को। तो उसी दिन एक तरह से जो एक तरह से ये इस तरह से सीने पे मार के मातम करते सीने हैं, मारते हो। हाँ तूने वो देखा होगा एक तरह से, तो उसी को लेके है जो। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल यो वाली मदद, क्या हाल है गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में मैं अकेले रिएक्शन नहीं करने वाला हूँ, मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी रिएक्शन करने जा रहा है, इसका नाम है अखिल। तो अखिल आज पहली बार मेरे साथ कोई रिएक्शन वीडियो बनाने जा रहा है, बहुत दिनों से मेरा मन कर रहा था मैं इसके साथ कोई रिएक्शन वीडियो बनाऊँ, दैट्स वाई आज मैं इसके साथ एक रिएक्शन वीडियो बनाने जा रहा हूँ। एंड एक चीज़ पहले बता देता हूँ कि थोड़ा सा शर्मीला है, थोड़ा शाई टाइप का है, कैमरे के सामने मतलब इस तरह से कभी आया नहीं है, तो थोड़ा सा उस चीज़ को इग्नोर करना है, ठीक है। तो नोहा वगैरह सुना है तूने कभी, हाँ कभी कभी सुनता सुनता हूँ, हूँ। मतलब कभी कभी मेरे वीडियोस की जो भी रिएक्शन वीडियो बनाता हूँ वही हाँ देखता हूँ, तेरे वीडियो के जरिए देखते रहता हूँ। मतलब जो भी मैं रिएक्शन करता हूँ वही देखता है लिटरली, और समझने की कोशिश करते रहता है, ठीक है। तो एक तरह से ये एक ब्लाइंड टाइप रिएक्शन होगा, आज पहली बार एक तरह से मैं रिएक्शन कर रहा हूँ इसके साथ में, नदीम सरवन सर का नोहा जिसका टाइटल है बादशाह हुसैन, ठीक है। बादशाह हुसैन मैंने सुना हुआ है बट इसने नहीं सुना, दैट्स व्हाई मैं इसका रिएक्शन देखना चाहता हूँ किस तरह से इसका रिएक्शन निकलता है नोहा सुनने के बाद। एक तरह से नदीम सरोवर सर का नोहा जोशीला नोहा होता है, बहुत सिंपल सी बात है भैया। तो लेट्स सी इस नोहे को सुनते हैं, उसके बाद जो भी बात करेंगे, इस वीडियो का जो लिंक है वो रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज जाके चेक कर लेना आफ्टर द रिएक्शन वीडियो। अब इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद जो भी बात करेंगे। नदीम सरवर द किंग रॉयल रिकॉर्ड्स, सफीर आज़ा बादशाह हुसैन, बादशाह हुसैन हुसैन बादशाह हुसैन बादशाह हुसैन हुसैन बादशाह हुसैन। ये दीन पनाही का शरफ किसको मिला है, ये किसका लकब है जो सरे अर्श लिखा है। बादशाह हुसैन हुसैन बादशाह हुसैन बादशाह हुसैन हुसैन बादशाह हुसैन। अजमेर के ख्वाजा ने ये सच खूब कहा है, लारैब के शब्बीर ही कलमे की बका है। बादशाह हुसैन हुसैन बादशाह हुसैन बादशाह हुसैन हुसैन बादशाह हुसैन। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीपना अस्त हुसैन, सरदार नदा दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ना इलाह अस्त हुसैन। बादशाह हुसैन हुसैन बादशाह हुसैन बादशाह हुसैन हुसैन बादशाह हुसैन। मौला बड़ा काम किया, दीन खुदा काम किया, कर न सका कोई कभी, तूने वही काम किया, वादा वफा करके रहा सर न झुका, हक पे जिया सबसे बड़ा मेरा खुदा, करता रहा ऐलान हुसैन। खुदा नोक सिना तक जो गया, इश्क में जो तूने दिया कोई भी वो दे न सका, नूरे खुदा दस्ते खुदा तेरे सिवा कौन हुआ, करना पड़ा लिखना पड़ा है ये तेरा एहसान हुसैन। बादशाह हुसैन बादशाह
سرور ذیشان حسین عظمت انسان حسین بولتا قربان حسین میں تیرے قربان حسین میر حرم رب کی قسم تیرا یہ غم ہوگا نہ کم فرش ادا حق کی صدا ہے یہ تیرا فیضان حسین جوان تشن لباں بے وطنا بے کفنا تیرے لیے ہے یہ فغاں عرش و زمین نوح کنا درد دلوں تشن دہاں خشک زبان موقع کے سنوں تن سے جدا سر تھا مگر پڑھتا رہا قرآن حسین حکومت تیری ہر دل میں بسا ہے ہر دل میں عزا خانہ تیرا آج سجا ہے قرآن مصائب میں تیرا نام لکھا ہے ماتم کی صدا ہے کہ یہ تو بول رہا ہے عشق خدا تیری ادا نام تیرا زندہ رہا ہر وہ بلا کی ہے صدا تو ہے بڑا انسان سے آزاداری تیری زندہ رہے گی وہ قوم جو بیدار ہے غم تیرا کرے گی آواز ازاں جو تیرے روزے سے اٹھے گی واللہ خدائی تیری آواز سنے گی شاہ زمن ہادی من ناز چمن شیری سخن شان نبی شان علی یعنی میری جان حسین بلا راحت مان کرب بلا سرور رے ہونے ازا دولت مان کرب بلا ہم ہیں سفیران ازا شاہ ہدا تم پہ صدا جان کرے تم پہ فدا ہے یہ میرا ارمان حسین حسین بادشاہ حسین
तो या दैट्स इट, ये था नोहा नदीम सरवर सर का बादशाह हुसैन। मैंने ये नोहा पहले ही सुना था बट अखिल के लिए मैंने दोबारा से रिएक्शन किया, उसके रिएक्शन के लिए किस तरह से उसका रिएक्शन निकलता है। तो कैसा लगा नोहा मुझे बता, बट से कैसा लगा नोहा? ये तो बहुत अच्छा लगा सुनने में, मतलब पहली बार सुना ना एक तरह से, पहली बार रिएक्शन किया। सुना तो मेरे रिएक्शन वीडियो देखते रहता है लिटरली, है बहुत जोशीला था। हाँ जोशीला, नदीम सरोवर सर के नोहा ही जोशीले होते हैं, बिकॉज नदीम सरोवर सर जो है ना वो नोहा खुवानी की किंग है एक तरह से। तो करबला की स्टोरी वाकया पता है तुझे पूरा, करबला के बारे में पूरा पता है क्या? नहीं जो मतलब पता नहीं है, मतलब मेरे वीडियोस वगैरह से थोड़ा बहुत चला होगा, मतलब उतना नहीं चला पता है ना, तो एक तरह से मैं मतलब ट्राई करूंगा कि इसको लेके आऊंगा एक तरह से, करबला का जो वीडियो है ना वाकया का, उस पर ट्राई करेंगे हम रिएक्शन करने के लिए, इसको समझाने के लिए। मैं नहीं चाहता कि मैं डायरेक्टली समझा दूँ, मैं चाहता हूँ कि एक तरह से हम रिएक्शन करते हुए समझे तो वो सही तरीका होगा। बाकी तो मैं बहुत सारी चीज़ें समझा ही दूंगा एक तरह से। ये जो नोहा था बादशाह हुसैन इमाम हुसैन अलैहि सलाम को लेकर, ये नोहा था इमाम हुसैन अलैहि सलाम, लाइक मैं चाहता हूँ कि मैं हम सब कुछ एक तरह से वीडियो के जरिए ही देखें। तो मुझे बताना मतलब अगर आप चाहते हो मैं दोबारा से मतलब लेकर इसे आऊँ रिएक्शन करने के लिए, करबला के वीडियो उसको लेके, है ना, दोबारा से रिएक्शन करने आएंगे, बुलाऊंगा तो ये देखो ये तैयार है आने के लिए। लेट्स सी, देखते अगर मतलब आगे अगर मन बना तो मैं जरूर इसको रिएक्शन करने के लिए लेके आऊँगा। बाकी ये जो वीडियो एक तरह से काफ़ी जोशीला इसे लगा, ये कह रहा है बहुत ज़्यादा, हाँ जोशीला, बिकॉज नदीम सरोवर के नोहे जोशीले होते, बहुत सिंपल सी बात है। एक तरह से मैं थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई थी 10th of Muharram को, ठीक है, 10th of Muharram को, पता है ना मुहर्रम होता है, मुहर्रम का फेस्टिवल वगैरह होता है, फेस्टिवल नहीं एक तरह से ये मुहर्रम, 10 तारीख को मुहर्रम होता है ना, बताऊँगा तेरे को। तो उसी दिन एक तरह से जो एक तरह से ये इस तरह से सीने पे मार के मातम करते हैं, हाँ तूने वो देखा होगा एक तरह से, तो उसी को लेके जो नबी थे इस्लाम के हज़रत मोहम्मद पीस भी पौनी, उनके ग्रैंडसन थे इमाम हुसैन अलैहि सलाम, उनकी शहादत हुई थी 10th of Muharram को, उसी को लेके एक तरह से ये नोहा था, उन्हीं को एक्सप्लेन करा जा रहा है कि दीन को बचाने के लिए इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने किस तरह से कुर्बानी दी थी अपने नाना की दीन को बचाने के लिए। तो एक तरह से इसमें तारीफ़ भी चल रही है इमाम हुसैन अलैहि सलाम की कि उन्होंने दीन को बचा लिया, है ना, लाइक उनका जो सर जब धड़ से अलग कर दिया गया ना, एक तरह से शिमर था, शिमर ने एक तरह से सर काट दिया था, तो नैजे पे सवार करके जब ले जाया जा रहा था उस वक्त भी उनकी ज़ुबान से कुरान निकल रहा था, एक तरह से इबादत चल रही थी, है ना, उस मतलब उस टाइम भी वो पूजा कर रहे थे एक तरह से, खुदा की पूजा कर रहे थे, उनको याद कर रहे थे इस तरह से कह सकते हैं, मतलब इतना कह सकते हैं ना कि जब मतलब जो उनके ग्रैंडसन थे मतलब दीन के लिए उन्होंने इस तरह से इतना कुछ किया। बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, मैं चाहता हूँ एक तरह से मैं वीडियोस के जरिए एक तरह से समझाऊँ उसको, है ना। तो इसमें एक लाइन भी था, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन नियस्त हुसैन दीपना अस्त हुसैन, जो कि ख्वाजा गरीब मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में सुना है तूने? हाँ, अजमेर की जो थे उन्होंने एक तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए लाइन कहा था, उन्हीं की फैमिली के मेरे ख्याल से, मौला अली सलाम की फैमिली से ये बिलोंग, उन्हीं के बिलोंग करते हैं, हाँ उन्हीं की लाइनेज से बिलोंग करते हैं ख्वाजा गरीब मोइनुद्दीन, काफ़ी क्रेज़ है उनका इंडिया में लिटरली, तुम बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करते इतना ज़्यादा क्रेज़ है उनका इंडिया में ख्वाजा गरीब मोइनुद्दीन का। तो यस, ये था वीडियो बादशाह हुसैन, मैं एक तरह से पूरा एक्सप्लेन अभी नहीं करूँगा बिकॉज ऑलरेडी हमने रिएक्शन किया हुआ है इसके ऊपर में। बाकी मैं लेट्स ही देखते हैं अगर हम दोबारा से लेके इसे आऊँ मैं रिएक्शन करने के लिए, तो है ना, अगर तुम बोलो तो मैं दोबारा रिएक्शन करने के लिए लेके आऊँगा। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बी से बी हैप्पी, पीस आउट, या अली मदद, लव बाय क्या हुसैन।